अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ यासिन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यासिन ऑनलाइन। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को सलामत रखे। मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआएं। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन के हवाले से है कि आप किस तरह से सिर्फ 2 दिन में अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करवा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त इस हवाले से परेशान दिखाई देते हैं और अक्सर दोस्तों ने मुझे बताया भी है कि यार मैंने ओरिजिनल कंटेंट लगाया है, मेरा ज़ाती कंटेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी मोनेटाइजेशन ओपन नहीं हो सकी, यूट्यूब ने उसको रिव्यू में डाल दिया। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड को क्लियर कर लें कि यूट्यूब आपके चैनल की सारी वीडियोस नहीं देखता, वो चंद वीडियोस जो है वो आपकी देखता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 5 अहम बातें बताऊँगा जिस पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो आपका जो चैनल है वो सिर्फ 2 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। बल्कि इस तरह भी होता है कि इधर से आप अप्लाई करेंगे और उधर से आपको एक नोटिफिकेशन मौसूल होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल को भी प्रेस कर लें। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकेगी। तो नंबर एक में ये है कि YouTube सबसे पहले आपके जो चैनल के थीम है यानी आपके थंबनेल है उसको विज़िट करेगा, मुकम्मल चैनल को, कि आप अपनी वीडियोस पर किस तरह के जो थंब है वो लगा रहे हैं, आपके चैनल की लुक कैसी है, देखने से आपका चैनल कैसे है, इम्प्रेसिव है, कैसा दिख रहा है आपका चैनल। तो नंबर एक पे आपका जो चैनल है YouTube उसको मुकम्मल विज़िट करेगा कि आपके जो थंब हैं वो कैसे हैं। नंबर टू में YouTube जो है वो आपके जो वीडियोज़ के व्यूड हैं, जो मोस्ट व्यूड वीडियोज़ होती हैं, उनको वो वॉच करेगा, उनको देखेगा कि आपने जो इतने ज़्यादा व्यूज़ उन वीडियोज़ पर हासिल की हैं वो कहाँ से आए हैं। क्या आपने किसी टॉप ट्रेंड पे वीडियो तो नहीं बना दी, मिसाल के तौर पर आप किसी टॉप ट्रेंड के ऊपर, कोई क्रिकेट का मैच है, कोई ड्रामा है, कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर आपने वीडियो क्रिएट कर दी है, तो इस तरह से आपने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए। तो YouTube आपके जो ट्रैफिक सोर्सेज है उनको देखेगा कि आपने वो व्यूज़ किस तरह से हासिल किए, आप किस तरह से वीडियोस अपलोड किए हैं और फिर व्यूज़ किस किस तरफ से आए हैं। तो इस चीज़ को जो है वो YouTube बहुत देखता है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त इस तरह से करते हैं कि वो अपना जो टॉप ट्रेंड चल रहा होता है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं और इस तरह से उनके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन YouTube इस चीज़ को लाजमी देखता है। मिसाल के तौर पर आपका जो चैनल है हेल्थ के हवाले से है, आपने टेक के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, कोई आपने गेम के हवाले से की हुई है, पबजी गेम चल रही है, आपने उसके ऊपर लगा दी, इसी तरह कोई और जो है टॉप ट्रेंड उसके ऊपर आपने वीडियो बना दी। नंबर थ्री में YouTube जो है वो इस चीज़ को देखता है कि आपके जो वॉच टाइम है वो आपने कहाँ से हासिल किया है, जिस वीडियो पे आपके वॉच टाइम ज़्यादा है YouTube उसको वॉच करेगा, उसके मुकम्मल ट्रैफिक सोर्सों को और उसका मुकम्मल बायोडाटा वो हासिल करके उसको चेक करेगा कि आपके जो वॉच टाइम है वो आपने किस तरफ से हासिल किए हैं। बहुत सारे दोस्त इस तरह करते हैं कि अपनी वीडियोज़ को फेसबुक पर शेयर करते हैं। आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि यूट्यूब और फेसबुक का कंपटीशन चल रहा है। जो फेसबुक है वो वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म पर ओपन कर देता है और यूट्यूब में वो वीडियो जाती ही नहीं है। इस तरह ना तो आपके व्यूज़ काउंट होते हैं और ना ही वॉच टाइम। तो इस चीज़ को जो है वो लाजमी तौर पर चेक करता है। नंबर फोर पे यूट्यूब ये चीज़ चेक करता है कि आपने जो टाइटल लिखा है वो किस तरह से लिखा है, वीडियो के रिलेटेड टाइटल लिखा है या मुख्तलिफ टाइटल है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वीडियो आपकी एक हेल्थ के हवाले से है लेकिन आप उसके ऊपर कोई और टाइटल लिख देते हैं, तो इस तरह से आपकी मोनेटाइजेशन ओपन नहीं होती। नंबर फाइव में ये है कि आप जो वीडियो अपलोड करते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नहीं लिखते, उसमें ये नहीं लिखते कि मैंने ये वीडियो टेक के हवाले से बनाई है या हेल्थ के हवाले से बनाई है, गेम के हवाले से बनाई है या किसी भी और दूसरे के लिए बनाई है। तो आप जो है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, जिसकी वजह से आपका जो चैनल है वो रिव्यू में पड़ा रहता है और फिर सालों साल वो रिव्यू में पड़ा रहता है। तो अगर आप इन 5 चीज़ों पर अमल कर लें तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इधर से अप्लाई करेंगे, इधर से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप इन 5 बातों पर अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।
तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।